ये मेरे बेडरूम में तीन पौधे पड़े हुए हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। और ये इतना खूबसूरत पौधा था, इतना बड़ा, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पौधा एक साइड से बेचारा इस तरह मरना शुरू हो गया है। तो पता नहीं अब इसकी क्या वजह है, मेरी समझ से बाहर है। मैंने देखने की भी कोशिश की है नेट पे भी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। अगर किसी के घर में ये पौधा है और आपको इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। तो अब मैंने वैसे इसकी साइड चेंज की है, बिल्कुल रोशनी में इसको कर दिया, ताकि हो सकता है रोशनी कम मिलने की वजह से ऐसे हुआ ये। तो मुझे बहुत पसंद है ये पौधा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके पत्ते कम होते जा रहे हैं। नहीं तो ये बहुत बड़ा और हरा भरा रहता है ये पौधा हर वक्त। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश व खुर्रम और आबाद होंगे। ये मैं बना रही हूँ नाश्ता अपने हस्बैंड का और अपना, ये चीज़ बटर शटर, और इधर मैंने चाय को दम देना है, अभी सेपरेट टी बनानी है। मैं जब अपने लिए सिर्फ बनाती हूँ तो मुझे मिक्स बनाने मतलब पीने का मज़ा आता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को इतनी नहीं पसंद मिक्स चाय, तो उनके लिए फिर मुझे सेपरेट बनानी पड़ती है। तो बस जी ये हो रहा है नाश्ता, ये मैंने ब्रेड काट लिया, अभी मैं इसको टोस्टर में डाल दूँगी। और ये है आज बाहर का मौसम, बहुत अच्छा मौसम है, धूप है। मेरी खिड़की बहुत गंदी हुई है किचन की, सर्दियों की वजह से मैं साफ़ नहीं कर सकी थी, तो अब मौसम अच्छा आ रहा है तो अब मैं इंशाल्लाह इसको साफ़ करूँगी। और ये मेरे बेचारे छोटे छोटे प्लांट, जो कि अभी तक मुझे मिट्टी नहीं मिली थी, उनको मैंने यहीं पे लगाया हुआ है। मैं बनाने लगी हूँ चिकन का पुलाव, और मैंने मसाला भून के उसको पकने के लिए थोड़ा रख दिया। और इधर मैंने चावल निकाल लिए, इधर मैंने चिकन को साफ़ करके अच्छी तरह धो लिया, ये 5 लेग पीस मैंने लिए। और ये मैं अभी बनाने लगी हूँ तूरी का सालन। मेरे हस्बैंड के आ रहे हैं दोस्त और वो इंडियन हैं, और आपको पता है वो लोग तो दाल या सब्ज़ी चिकन गोश्त जो भी हो उसके साथ ज़रूर लेते हैं, तो इसलिए रात की जो दाल रेड बीन्स मैंने बनाई थी वो भी थोड़ी सी पड़ी हुई है। साथ ही सब्ज़ी बना लूँगी, साथ दही का रायता बना लूँगी और साथ चिकन का पुलाव बना लूँगी। और इसकी रेसिपी मैं इसलिए शेयर नहीं कर रही कि मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हुई हूँ, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, तो अगर किसी ने देखनी है तो वहाँ से देख ले। ये तोरी का सालन भी बन गया, चिकन के पुलाव का भी दम हो गया। अब मैं बना रही हूँ रोटी, आटा ख़त्म हुआ था, आटा गूंदा है पहले, रोटी बना रही हूँ। और फ्रिज में मैंने रायता भी बना के रख दिया है, बस अब फटाफट रोटी बना के तो फिर मैं खाना सर्व करूँगी। ये जी आज दोपहर का मेरा लंच तैयार हो गया है, और मेरे हस्बैंड के दोस्त भी आ गए हुए हैं जिनेवा से। ये मैंने बना लिया है दही का रायता, इसमें मैंने खीरा, टमाटर, लहसुन के एक जवा कद्दूकस करके और पुदीना, हरा धनिया, नमक, काली मिर्च डाली है। ये मेरी तोरी का सालन बन गया है। ये कल जो मैंने रेड बीन्स बनाई थी उसका थोड़ा सा सालन बच गया, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तो कहते हैं ये भी गर्म कर दो। और ये बन गया है चिकन का पुलाव,
और ये मैंने चार पांच रोटियां बना ली हैं साथ। तो ये हो गया है मेरा खाना तैयार, और मैं अपना खाना डाल के अपनी बेटी के कमरे में आ गई हूँ, और उसकी जो स्टडी टेबल है उस पर बैठ के तो मैं अब खाना खाने लगी हूँ। और बाहर आज फिर बहुत मज़े की धूप निकली हुई है। ये मेहमान खाने से फारिग होके चाय शाय पी के गपशप लगा के तो जा चुके हैं, और कुछ बर्तन मैंने मशीन में लगा दिए हैं और कुछ बर्तन अब मैं ये हाथ से धोने लगी हूँ। तो बस सारा दिन यही कुछ चलता रहता है। ये जी मेरा किचन साफ़ हो गया, सब बर्तन धुल गए, मशीन में लगने वाले बर्तन मशीन में लग गए, ये ढेर सारे बर्तन धुल गए, सिंक साफ हो गया।